देखिए, 5 वर्षों से यहाँ पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहला आरोप तो बीजेपी पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्थिर सरकार दे ही नहीं पाई। जो पार्टी 5 वर्षों में 3-3 मुख्यमंत्री देने के लिए मजबूर हो जाए, यानी एक स्थिर मुख्यमंत्री नहीं दे सकती, वो पार्टी सरकार क्या दे सकती है। चूंकि 3-3 मुख्यमंत्री बने, इसलिए जो प्रशासन का कामकाज था वो जैसे तैसे चलता रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड में जबरदस्त बेरोजगारी बढ़ी। एक समय ऐसा था जो पूरे देश में एक नंबर पे था उत्तराखंड, लगभग 23% के आसपास बेरोजगारी थी। दूसरा जो नतीजा ये निकला कि महंगाई के ऊपर जबरदस्त एक असर पड़ा है। यहाँ पर खाने पीने की चीजें हैं, चाहे रसोई गैस हो, हर तरह की वस्तुओं का भाव पूरे देश की जो महंगाई की दर है उससे ज्यादा है। तीसरा बड़ा इशू भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा, जिसका सबसे बड़ा जो सबूत है, जो सबसे बड़ा जो इसका जीता जागता जो प्रमाण है, वो कुंभ घोटाला था। और कुंभ घोटाला के बारे में जो जिनने भंडाफोड़ किया, पर्दाफाश किया, उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त आप देखें कि पूरे इसमें कोरोना काल के दरमियान जो पलायन हुआ वो बहुत तेजी से बढ़ा। गांव के लोग नौकरी की तलाश में इधर आते गए। पर्यटन उद्योग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। व्यापारी एकदम तबाह हो चुके हैं। और उसके बाद एक नशा व्यापार के बारे में जो हमने विशेष तौर पर यहाँ पर एक रेखांकित किया उस विषय को, स्मैक का प्रचलन पिछले 3-4 वर्षों में, यानी मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार में और पूरे उत्तराखंड में स्मैक लेकर के आई है। और ऐसे स्मैक को रोकना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि नशा का जो पूरा प्रचलन बढ़ा है उसको नियंत्रित किया जाएगा, महंगाई को नियंत्रित किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिले, इसका हम इंतजाम करेंगे। वो हमारा अंदरूनी विषय, आप उसकी चिंता मत करिए, हम निपट लेंगे। बिल्कुल दिखेंगे, पूरा पूरा सतपाल ब्रह्मचारी के साथ पूरा हाईकमान है, पूरा कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपना विश्वास जताया है और इसलिए हरिद्वार का एक एक कांग्रेस जन सतपाल ब्रह्मचारी जी के लिए कमिटेड है और काम करेंगे। और इस बार सतपाल ब्रह्मचारी जी यहाँ से MLA बन करके चुन करके जाएंगे। एक से ट्वेल्थ तक सब जगह प्राइवेट स्कूल, ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ पर, पूरे देश में सरकारी स्कूल भी है। ज्यादा ज्यादा सरकारी स्कूल खुलने चाहिए, जैसे मुंबई में म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल है, गांव में जाएंगे, महाराष्ट्र के गांव में, बिहार के गांव में जाएंगे, उत्तर प्रदेश गांव में जाएंगे, जिला परिषद के स्कूल है। तो सरकारी स्कूलों का प्रचलन बढ़ना चाहिए, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, ताकि एक सस्ती शिक्षा और एक सर्व सुलभ शिक्षा हमारे देश के बच्चों को मिल सके। तो अगर उत्तराखंड में सारे स्कूल प्राइवेट है, सरकारी स्कूलों में अधिकतर बच्चे दूर नहीं करते हैं, प्राइवेट में जाते हैं, क्योंकि शिक्षा की, हाँ, ये एक बहुत बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सुधार लाना चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए, अच्छे टीचर्स हों, अच्छी सुविधाएं हों, ताकि हमारे जो सामान्य घर के बच्चे हैं वहाँ पढ़े और वहाँ से पढ़ के निकल करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करके हायर एजुकेशन। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। खनन माफिया, खनन माफिया जो है सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में है। और उत्तराखंड में तो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ कुछ ज्यादा है। सीएम खुद ही खनन माफिया का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अब ऐसे खनन माफिया का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी और उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंकने की जिम्मेदारी उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के मतदाताओं की। खनन तो हमेशा होता है, लेकिन अवैध खनन बीजेपी के राज में ज्यादा हुआ है। ये मुझे नहीं पता। मैंने भ्रष्टो कमेटी को, कमेटी का सदस्य होने के नाते हरिद्वार की जो समस्याएं थी वो बता दी। यहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा का केंद्र हो। देखिए, 150 साल पहले हमारे महात्माओं ने, ऋषियों ने कितना बड़ा काम किया था। आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को देख सकते हैं, आप ऋषिकुल विश्वविद्यालय को देख सकते हैं। मदन मोहन मालवीय जी ने हमको ऋषिकुल दिया और स्वामी संध्यानंद जी महाराज ने हमको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय दिया था। और अब तो सरकारें हैं, और तिवारी जी ने संस्कृत विश्वविद्यालय दिया, हरिद्वार में संस्कृत अकादमी दी। ये सब हमारी सरकार की देन। महाराज जी, बारिश में सड़कें उखड़ गई हैं और पहाड़ गिर रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए, क्या काम होगा आगे आपके? सरकार देख लो ना, लाइब्रेरी
13 लाइब्रेरी का पैसा विधायक निधि से लगा है। आपको भी चैलेंज है, प्रेस को भी चैलेंज है। एक लाइब्रेरी माननीय मदन कौशिक जी बता दें कि हमारे हरिद्वार के नौजवान यहाँ पर पढ़ाई या कोई किताबें पढ़ते हैं या कोई लाइब्रेरी दिखाई दे तो मैं भी राजनीति से संन्यास ले। जाँच चल रही है, हाई कोर्ट भी जाँच कर रहा है और सरकार भी जाँच करेगी। निर्दलीय खड़ा हो रहा है कांग्रेस से आपके।